जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर तीन पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। इन तीनों पार्टियों की सरकार को एमवीए कहा जाता है। दोस्तों एमवीए जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस कर दिया है। शिवसेना के एक दिग्गज नेता उनको अपने पाले में खींच लिया है, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, जो उद्धव सरकार के और उद्धव ठाकरे के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे। दोस्तों वो अपने साथ बताया जा रहा है कि 35 विधायक, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया बता रही है कि 35 विधायक गुजरात के एक होटल में सूरत के अंदर लेकर बैठे हैं शिवसेना के 35 विधायक। दोस्तों इन 35 विधायकों को लेकर शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे, जो उद्धव सरकार के एक बहुत ही बड़े चेहरे, उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले, वो दोस्तों 35 विधायक शिवसेना के सूरत में ले बैठे हैं। जब से ही दोस्तों महाराष्ट्र सरकार जो बनी हुई है उस पर संकट आ गया है। तो आखिर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से, क्या है सीटों का मुकाबला, कितने किसके पास कितने एमएलए, मैं आपको बता देता हूं। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, पर शिवसेना कहती थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो उन्होंने, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। अब दोस्तों किसके पास कितने एमएलए मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, तो 105 एमएलए जीती थी। शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस पार्टी 44 और निर्दलीय जो है वो 29 एमएलए जीते थे। दोस्तों अब दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई है। संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है शिवसेना के, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गोदी मीडिया बोल रही है कि 30 एमएलए, 35 एमएलए एकनाथ शिंदे लेकर बैठे हैं सूरत के अंदर, वो इतने एमएलए नहीं है, 16 से 17 एमएलए लेकर गए हुए हैं और हम जिसमें से 4-5 एमएलए हमारे वापस आ गए हैं और बाकी के हमारी बात चल रही है। गुजरात पुलिस ने उन्हें रोक रखा है, गुजरात पुलिस ने उन्हें किडनैप कर रखा है, गुजरात पुलिस आने नहीं दे रही है। तो सो मैं आपको बता दूं, अगर कोई वहां पर मिलने भी जा रहा है तो बहुत ज्यादा होटल के आसपास पुलिस है, उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बात भी कर ली है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो शिवसेना के मेरे पास विधायक हैं, आप एनसीपी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ें और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करें और सरकार बनाएं, ये शर्त एकनाथ शिंदे ने रख दी। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप महाराष्ट्र आइए और महाराष्ट्र में आकर बात करिए। पर दोस्तों जो गोदी मीडिया 30 से 35 एमएलए कह रही है उसमें कोई भी शक नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा शक पैदा होता, क्योंकि 16 से 17 एमएलए संजय राउत बोल रहे हैं कि उनके पास है, जिसमें 4-5 एमएलए वापस भी आ गए और बाकी जो एमएलए हैं उनसे बात चल रही है, वो भी वापस आ जाएंगे। और एकनाथ शिंदे का कि वो हमारे पुराने साथी, हमने काफी ज्यादा काम किया है और वो भी वापस आ जाएंगे। पर दोस्तों ये तो बात हो गई है क्लियर के उद्धव सरकार आसानी से गिरने वाली नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।